गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं कुछ विचारां इस एंगल तो तुहाडे सामने लेके आया भई जे अपने अंदर दा सुधार करना होवे, अपने मन दा सुधार करना होवे, अपने मन दे नाल लड़ना होवे, मन नूं साधना होवे, उहदे वास्ते की तरीका है। क्योंकि साडा जीवन ज़्यादातर बाहर मुखी है और बाहर ही साडा परिवार है, बाहर ही साडा संसार है, बाहर ही साडे हथियार ने, बाहर ही साडियां लड़ाइयां ने। बाहर दे नाल लैण देण ज़्यादा होण करके सानू इस तरह लगता है भी जिवें साडे अंदर दी सुधाई भी किसी बाहरले साधन दे नाल हो जानी चाहिए है, पर वह हुंदी नहीं है। दरअसल हकीकत कुछ होर है। गुरबाणी का एक वाक मैं तुहाडे सामने पहला रखदा, मारू राग दे अंदर मारू सोलहे महला पहला, काम क्रोध अहंकार निवारे तश्कर पंच शब्द सिंगारे। बड़े ध्यान नाल सुनियो, तश्कर पंच शब्द सिंगारे, ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूझै मनसा मने समाई है। ज्ञान खड़ग लै, ज्ञान दी तलवार लै के, ज्ञान दी खड़ग लै के मन स्यों लूझै अपने मन दे नाल लड़। ये मन कोई स्थूल नहीं है जो किसी स्थूल हथियार दे नाल मारिया जा सके। स्थूल नूं स्थूल हथियारां दे नाल मारिया जा सकता है। डांग, सोटा, तीर, तलवार, बंदूक, तोप, बंब सब स्थूल ने, सब दिसन वाले ने, ते स्थूल नू ही मारन विच सहायक ने। दिसदे समाज, दिसदे संसार दे अंदर ही कुछ कर सकन दी इन्हां हथियारां दी समर्था है। दिसदे संसार नू मारन जां डराउण दे काम आ सकदे ने। ये मन विचारां दा मजमूआ है, इसनों मारिया भी विचारां दे नाल ही जा सकता है। विचारां नूं विचारां दे नाल कटिया जा सकता है, दलील नूं दलील दे नाल, विचारां नूं विचारां दे नाल मिटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। खैर, जो हथियार बंदे नूं मारन लई बने ने, उह मक्खी ते मच्छर नूं मारन दे काम नहीं आउंदे। अच्छा, जे किसी दे नक दे उत्ते मक्खी बह जाए या मच्छर बह जाए तो कि डंग चुक के मारोगे भी इत्थे मच्छर बह गया तो वह हथियार मारीए। जिहड़ा हथियार असी आम वरतों विच लिआउने आ, मक्खी जां मच्छर इहनूं मारन वास्ते हथियार भी होर ने। अच्छा, फसलां नूं जिन्ने रोग लगदे ने, फसलां नूं जिन्नियां बीमारियां पैंदियां ने, उन्हां सब बीमारियां नूं, बीमारियां दे कीड़ियां नूं मारन वास्ते अड अड हथियार, अड अड दवाइयां, वख वख दवाइयां मारियां जांदियां ने और वख वख समें दे उत्ते मारियां जांदियां ने। ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई हर कीड़े नूं मारन दे विच सहायक होवे, नहीं होंदी। सुंडी नूं मारना होवे होर दवाई, तेले नूं मारना होवे होर दवाई, घाह फूस नूं मारना होवे होर दवाई, तो मेरा मतलब हर दुश्मन नूं मारन वास्ते उहदी दवाई, उहदा हथियार अड अड तरह दा हुंदा है, वख वख तरह दा हुंदा है, एक तरह दा नहीं हुंदा। बंदे दे अंदर जिहड़ियां बीमारियां, जिहड़े रोग पैदा हुंदे ने, उहनां बीमारियां दीआं दवाइयां वी वख वख ने। ऐसा तां नहीं है वी पेट दर्द हो रिहा है ते सिर पीड़ वास्ते उही दवाई काम आ जाए, हाथ पीड़ वास्ते वह दवाई आ जाए, लत्तां पीड़ हुंदियां ने तां वह दवाई काम आ जाए, कमर दर्द हुंदी है तां वह दवाई काम आ जाए, नहीं आउंदे। हर बीमारी, हर दुश्मन नूं मकाउण वास्ते दवाई वख वख हुंदी है और वख वख समें वास्ते दित्ती जांदी है, कोई छोटे समय वास्ते, कोई लंबे समय वास्ते। अच्छा, जे हार्ट की सर्जरी करनी होवे तो कि तलवार उत्थे काम आएगी? जे हार्ट की सर्जरी करनी होवे, ऑपरेशन करना होवे, बाईपास सर्जरी होवे तो कि उस जगह दे उत्ते तलवार काम आएगी? वेला कट्टना वड्डना ही है। चलो मैं तलवार दे नाल जां छुरी दे नाल किरच दे नाल इहदी छाती नूं पाड़ देना, इहदे
पेट नूं पाड़ देना वो हथियार वक्रे ने जिन्हां दे नाल हार्ट की सर्जरी होंदी है, पेट की सर्जरी होंदी है, होर अंगां की सर्जरी होंदी है। पाटे हुए पेट नूं सिउणा होवे, टांके लाउणे होण ते हथियार होर तरह दे, कपड़े नूं सीना होवे सूई धागा ही काम आउंदा है, जिथे तलवार काम नहीं आउंदी ते जिथे तलवार काम आउंदी है उत्थे सूई काम नहीं आउंदी। हर जगह दे उत्ते एक हथियार नूं नहीं वरत्या जा सकता। ये मैं कुछ कु उदाहरण दे रहा ता कि मैं जो कहना चाहना उन्हों कहन विच मैं कुछ कु कामयाब हो सकां। अच्छा, पशु नूं मारना होवे हथियार होर ने, कोकरेचा नूं मारना होवे हथियार होर ने। अच्छा, सिर दे अंदर जे जुआ पैजन वालां दे अंदर तो कि जुआ नूं मारन वास्ते तलवार चुकोगे या डांग चुकोगे या बम बंदूक तो कम लओगे। जुआ नूं मारन वास्ते होर दवाइयां होर हथियार ने, डेंड्रफ नूं मारन वास्ते होर हथियार ने। दरअसल बंदे नूं ये समझ आनी बड़ी जरूरी है कि किहड़े दुश्मन नूं किहड़े हथियार दे नाल जितया जा सकता है जां मारिया जा सकता है। समझ दी घाट होण करके बंदा हर जगह दे उत्ते सिर देण दी गल करदा है या सिर लैण दी गल करदा है। समझ दी घाट है। असीं विचरदे हां और जदों सिखी दी गल चलदी है बंदा निक्की जी गल तो भड़क जांदा है, या सिर देण दी गल करेगा सिर दे देंगे या सिर लैण दी गल करेगा। बई इत्थे ते वेखो भी किस ढंग दी उह गल करदा है, किस ढंग दे नाल उहनूं हराया जा सकदा है। अगर विचारां तो कम लै रहा है तो विचार तुहाडे समर्थ होने चाहिए ने, स्ट्रोंग होने चाहिए ने। अपने विचारां नूं उहदे सामने रखो तां कि तुहाडियां दित्तियां होईयां दलीलां दे नाल अगले दियां दलीलां नूं झुठलाया जा सके। ऐसा तो साढ़े कोल है नहीं है। असीं अखीरला काम पहले ही कर दिंदे, वेखो जी सिर दे देंगे लोड़ पई, सिर ले लांगे लोड़ पई। खैर, मन दे बुरे विचारां नूं मारन लई ताकतवर विचार चाहिए ने। हुण जिहड़ी मैं गल कहनी चाहुंदा सां, मन दे अंदर जिहड़ियां बुराइयां ने, चुगली है, निंदा है, ईरखा है, बखीली है, ठगी है, द्वेष भावना है या होर कूड़ा करकट है, इहनूं मारन लई विचार चाहिए ने। इहनूं मारन लई ना तलवार काम आएगी, ना बंदूक, ना कोई दवाई, ना कोई गोली, ना कोई इंजैक्शन, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद, किसे ढंग दे नाल मन दीआं विचारां नूं साध्या नहीं जा सकदा। विचारां नूं विचारां दे नाल साध्या जा सकदा है। ते साडे अपने विचार ने जिहड़े ओह बहुत कमज़ोर विचार ने, ओह साडे मन दे अंदर जिहड़े पहलां विचार बन चुके ने ओह ताकत फड़ चुके ने। उहनां विचारां नूं मारन लई जिहड़े साडे कोल थोड़े बहुते किधरे विचार गुरद्वारा साहब जा के बाणी पढ़ के शब्द पढ़ के सुन के आउंदे ने, वो बड़े कमज़ोर हुंदे ने, साडे पुराने विचारां दी काट नहीं कर सकदे। जां ते असीं बाणी नूं समझ समझ के पढ़ पढ़ के इन्ने अपने विचार स्ट्रोंग कर लईए, इन्नी विचारां दे अंदर समर्था ताकत आ जाए भी जिहड़े साडे पुराने विचार बने ने उह जीरण हो जाण, कमज़ोर हो जाण, दबे जाण या वह मारे जाण, इन्हें अपने आप को अंदरों तैयार कर लीए। या फिर इस तरह है भी थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहिब जी के उत्ते विश्वास कर लो, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के विचारों अपने अंदर जगह दे दिओ। जिस दिन गुरु के विचार, क्योंकि गुरु के विचार बड़े ताकतवर ने, जिस दिन गुरु के विचार तुहाडे मन की तिजोरी के अंदर भरने शुरू होणगे, जिहड़े उस तिजोरी के अंदर पुराने विचार ख्यालात पए ने उह सहजे सहजे एक एक करके बाहर आने शुरू होणगे और चंगे विचारां दे नाल, गुरु दे विचारां दे नाल मन की तिजोरी भरती जाएगी, पुराने जीरण कमज़ोर विचार उहदे विच्चों सहजे सहजे निकलदे जाणगे। इहनूं ही कबीर जी कहिंदे ने कि मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे, कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। पर अफसोस है, जिथे असीं विचारां तों कम लैना सी उत्थे भी हथियार चुके सामने आ जाणे, वेखो जी ए साडे इतिहास नूं इदां कहिंदा है, साडी बाणी नूं इदां कहिंदा है, नहीं पढ़िओ। अगर उहने कोई तर्क कीता है, गुरु नानक साहब जी की शुरुआत ही तर्क तों हुंदी है, बाणी पढ़ के वेखो। खैर, ये विशा एक वक्रा है। अगर कोई तर्क करता है तुहाडे इतिहास के उत्ते या तुहाडे पिछले बीते हुए जीवन के उत्ते, तुहाडे कोल इन्नी दलील होनी चाहिए, ताकतवर विचार होने चाहिए ने, उहदे विचारां नूं तुसीं कट सको। पर अफसोस इस गल दा है,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮ ਆਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਲੋਭ ਆਵੇ, ਨਿੰਦਾ ਆਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਆਵੇ, ਈਰਖਾ ਆਵੇ, ਬਖੀਲੀ ਆਵੇ, ਠੱਗੀ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।